ये है हमारे होटल से व्यू, और ये हमारे रूम से भी व्यू दिखता है, और रिवर व्यू भी है। ये माउंटेन है रिवर व्यू का, विद बालकनी हमने रूम लिया है, दो रूम। तो चलो थोड़ा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा सा रेस्ट ले लें, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। और ये व्यू है मेरे रूम की बालकनी से, और यह है पापा की बालकनी, ये रही रूम। रिवर व्यू, यहाँ रिवर है, यहाँ माउंटेन है। पहाड़ों की बात ही अलग है। And here's my room, जो कि मुझे सेट करना है। काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम दिया है। एक बालकनी, यहाँ पापा मम्मी की बालकनी है। अभी हम निकल चुके हैं कसौल के लिए, और हम लोग रूम में अर्ली चेक इन हम लोगों ने कर लिया था सुबह 8 बजे। हमारा चेक इन वैसे 1 o'clock का था, बट ऑन रिक्वेस्ट एंड वी पेड सम एक्स्ट्रा अमाउंट, तो हमारा अर्ली चेक इन हो गया। हम लोग रूम में फ्रेश वगैरह हुए एंड अब रेडी होके जा रहे हैं कसौल। कसौल में 3-4 आइटनरीज है जो हमने डिसाइड किए हैं। ऐसे तो मतलब 13-14 आइटनरीज हैं, बट उतना टाइम नहीं है, वी हैव ओनली 1 डे हेयर। तो कसौल एंड मणिकर्ण हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह से कुछ खाया नहीं है। और ये रिवर साइड एक छोटा सा यू नो एक धोखा भी नहीं बोलूँगी स्टैंड है, देखो। तो यहाँ पर भी हमने मोमोज खा चुके हैं, मैगी का वेट कर रहे हैं, और व्यू का आनंद दे रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से हम लोग। तो आप भी मेरे साथ ये व्यू का एंजॉय कीजिए, और दोबारा मिलते हैं आपसे। यहाँ हम लोगों की मैगी आ गई है, और यहाँ सब लोग यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं पहाड़ी मैगी, वेजिटेबल मैगी, पहाड़ी मैगी का एंजॉयमेंट चल रहा है। ये मेरी मैगी रखी है, तो मैं भी यमी में खा लूँ। रिवर व्यू, ये देखो माउंटेन व्यू, रिवर व्यू, और इसके बाद है रिवर व्यू। इस मैगी का कुछ अलग ही मजा है, पहाड़ वाली मैगी। हम आए हैं मणिकर्ण टेम्पल, इसको बोलते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग। यहाँ है हॉट वाटर स्प्रिंग, वो देखो वहां से आ रहा है गर्म पानी। देख रहे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पार्वती रिवर, जहाँ की मणिकर्ण का जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो भी उसमें ऐड होता जा रहा है यहाँ से। ये पूरा हॉट वाटर है, और हमने अपनी गाड़ी वहाँ ऊपर ऊपर की साइड खड़ी की है, तो आप लोग देख सकते हैं। कहते हैं अंदर कुछ भी खाने लगो वो अपने आप ही गर्म हो जाता है, जो भी मैंने सुना है। मेरे बैक साइड पे आप देख सकता रहे हो, यहाँ है रिवर पार्वती रिवर, और इस साइड है मणिकर्ण का स्प्रिंग हॉट वैली। ये देखिए कितना स्टीम निकल रहा है, राइट, देखिए। और यहीं पर है रिवर, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है ये मनाली फिलहाल, सॉरी मणिकर्ण का। मनाली मैं कल जाने वाली हूँ, आज हम कुल्लू में स्टे कर रहे हैं, जहाँ हम कसौल घूम रहे हैं, मणिकर्ण का घूम रहे हैं, और भी पास में जो जगह है हम वो थोड़ा सा यू नो एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट विजिट है यहाँ कुल्लू मनाली में, तो होप अच्छा जाए और मैं आपको और अच्छी अच्छी जगह दिखा पाऊँ। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। बाय बाय। आ रहे हैं आप लोग ये पानी का शोर, इतना अच्छा लग रहा है, पानी का शोर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मजे हैं भाई, मजे फुल मजे। तो अभी हम लोग आ गए हैं नेचर पार्क कसौल,
और यहाँ पर लगती है कुछ 30 रुपीज टिकट फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड की लगती है 20 रुपीज जो कि 4 to 12 ईयर्स है। यहाँ पर हम टिकट ले रहे हैं। ये सुन रहे हैं लोकल म्यूजिक, पीछे मेरे बैकग्राउंड में एक लोकल म्यूजिक भी चल रहा है। और यहाँ से है एंट्रेंस तो हम चलते हैं। और ये है ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट नियर कसौल नेचर पार्क। और यहाँ दिखाया है बिफोर एंड आफ्टर का ये नेचर पार्क, पहले ये कैसा था फिर ये कैसा हुआ कैसा बना। और यहाँ इसके जो पास में नियर बाय कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं वो उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ स्टार्ट हो गया फोटो सेशन। ये दिखा रहे हैं पेड़ काटते हुए और ये वाली आर्ट। ओके ये है टाइगर फैमिली और छोटे बच्चों के लिए काफी अच्छा पार्क है ये। एंड दिस इज मलाना ट्री हाउस मचान। अब हम लोग ये पार्क से नेचर पार्क से निकल के मून कैफे जा रहे हैं जो कि हमने सुना है थोड़ा फेमस है यहाँ पर, तो लेट्स ट्राई और वहाँ क्या फेमस है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं वहीं पर मून कैफे। और हम लोग आ गए हैं मून डांस कैफे और ये है उसका एंट्रेंस। और मैं खड़ी थी एंट्रेंस पे इन लोगों का वेलकम करने के लिए। बताओ और क्या स्पेशल है, हैप्पी आ रहा है, शेफ स्पेशल है, डे स्पेशल है? चलिए फूड भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ का। और ये है नाइट व्यू मेरी बालकनी से, रूम की बालकनी से। नहीं लाइटनिंग है शायद आपको यू नो वीडियो में समझ नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन मैं जब सामने से देख रही हूँ ना इट्स लुक ऑसम, हर तरफ लाइट थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ये होटल भी बहुत अच्छा है, इस होटल का नाम मैंने शायद सुबह आपको बताया होगा, होटल सरला रेजिडेंसी माउंटेन एंड रिवर व्यू दोनों आपको मिल जाएंगे यहाँ पर सुपर डिलक्स रूम में। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कॉल करके इसको बुक करवा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, मतलब आप इस पर थोड़ा सा बार्गेन भी कर सकते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ दे रहा है, बट यहाँ का जो व्यू है बहुत ही मज़ेदार है। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो हम अभी हमारा कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का। मैंने अभी चाय मंगाई है, चाय आ जाए फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बने रहिए फिर से मेरे साथ।